प्रिय ग्रामीण डाक सेवक साथियों, मैं आपका अपना विक्रम गोस्वामी आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने कल पढ़ा था फिलेटिली ब्यूरो के बारे में और आपने भी अध्ययन किया होगा इसके बारे में। आज साथियों हम पढ़ेंगे फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है, कितनी अवधि होती है, कितने रुपये में लाइसेंस लिया जाता है आदि आदि। ग्रामीण डाक सेवक साथियों, किसी ने कहा है कि जो सपने देखते हैं और जो मेहनत करते हैं उनके अवश्य पूरे होते हैं, बिना मेहनत सपनों का कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं आपने सपना देखा है GDS से पदोन्नति का, चाहे आप MTS बनो, चाहे आप पोस्टमैन बनो, चाहे मेल गार्ड बनो, PA बनो, ऐसे बनो, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे तो आप अवश्य प्रमोट हो जाओगे। साथियों, आज हम आपको बताएंगे फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कि फ्रैंकिंग मशीन क्या होता है। आपने कई बार ऑर्डिनरी लेटर पर या रजिस्टर्ड लेटर पर, स्पीड पोस्ट पर जब आप डाक बांटते हैं, देखा होगा एक कई पर बारकोड सा होता है, ऐसे होता है बारकोड, उस पर अमाउंट लिखा होता है, ठीक है, इंडिया भी लिखा होता है, ऐसे रुपए भी लिखे होते हैं, दिनांक भी लिखा होता है, पिन कोड भी लिखा होता है। तो साथियों, वो जो निशान होता है प्रिंटिंग का, वो फ्रैंकिंग मशीन का होता है। फ्रैंकिंग मशीन का ये निशान होता है, ये इस टाइप से, ये जो ये बार कोड है, ये फ्रैंकिंग मशीन का होता है। इसमें जो फ्रैंकिंग मशीन है, इसमें दो तरह की डाई होती हैं, एक इसके अंदर होती है मूल्य डाई। फ्रैंकिंग मशीन में दो डाई होती हैं, एक मूल्य डाई होती है कि रुपए कितने हैं, और एक लाइसेंस डाई होती है, ठीक है। दो डाई होती हैं, मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस विशेष व्यक्तियों के लिए सुप्रिटेंडेंट SSPO या SSP जारी करता है। कौन जारी करता है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस? SSPO जारी करता है। और जो फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल हैं, उनको दो डाक घरों में डाला जाता है। एक तो जहां से वो बुक हुई है, जहां से आर्टिकल बुक हुआ है, और एक जहां से आर्टिकल बुक हुआ है और जहां उसका वितरण होना है। तो दो डाकघरों से होकर के गुजरेगा और इसको खिड़की पर दिया जाएगा, डाकघर की खिड़की पर फ्रैंक किए हुए आर्टिकल को, जिनको फ्रैंक किया हुआ है उनको डाकघर की खिड़की पर दिया जाएगा। अगर वो उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, फ्रैंक की हुई वस्तु को, तो उसे अनपेड गिना जाएगा, उसे अनपेड माना जाएगा। अगर फ्रैंक करी हुई वस्तु को खिड़की में ना दे करके लेटर बॉक्स में आप डाल देते हैं, तो उसको अनपेड बैरिंग माना जाएगा। तो साथियों, जो फ्रैंकिंग मशीन की छाप होती है वो किस स्याही की होनी चाहिए? फ्रैंकिंग मशीन की छाप वो गहरे चमकीले लाल रंग की होनी चाहिए। ये भी एक अहम क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, रंग की होनी चाहिए। छाप किस रंग की होनी चाहिए? चमकीले लाल रंग की। जो फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है, जो छपाई, जो बारकोड छपता है, जिस पे अमाउंट लिखा होता है, डेट लिखा होता है, लाइसेंस लिखा होता है, और उस पे पिन कोड भी होता है, ठीक है, तो उसको गहरे चमकीले लाल रंग से प्रिंट किया होना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन का जो छाप है वो गहरे चमकीले लाल रंग का होना चाहिए। जो लाइसेंस धारी है फ्रैंकिंग मशीन का, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस धारी है,
जो लाइसेंस होल्डर है, मान लीजिए लाइसेंस होल्डर, उसको वो कहाँ रख सकता है, जो फ्रैंकिंग मशीन है उसको कहाँ रख सकता है, जहां विभाग ने उसको अथोराइज किया हुआ रखने के लिए। जो मान लीजिए अधीक्षक डाकघर द्वारा, अधीक्षक डाकघर द्वारा जो जगह सुनिश्चित की गई है, जो जगह फिक्स की गई है, और जो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है फ्रैंकिंग मशीन में, तो उसको ठीक करने या मुरम्मत करने का काम कहाँ किया जाएगा, डाकघर के अहाते में, जहाँ डाकघर का फ्रैंकिंग मशीन का मुरम्मत का काम होता है, वहाँ पर उसको भेजा जाएगा ठीक होने के लिए। और जो उसकी फ्रैंकिंग मशीन की जो सील, जो तली होती है शीशे की, उसको किसके द्वारा सील किया जाएगा, डाकघर के जो उसका अपॉइंटिंग, जिसने मशीन का नियंत्रण है, जिसके कंट्रोल में वो आती है, वो उसको शीशे के तल को सील कर सकता है। वहीं इसका जो शुल्क कितना होता है, 5 वर्ष के लिए 375 रुपये इसका लाइसेंस शुल्क होता है, ₹375 लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स। ये फ्रैंकिंग मशीन का है साथियों, लाइसेंस ₹375 में 5 वर्ष के लिए, ठीक है। वहीं हम आपको बताते हैं कि क्या बिना किसी सूचना के फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कौन रद्द कर सकता है, बिना सूचना के, CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिना किसी सूचना के फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रद्द कर सकता है। और एक बात और रहती है कि जो सरकारी कार्यालयों में जो फ्रैंकिंग मशीन रखी जाती हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, LIC है, या ऑल अदर सबॉर्डिनेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो उसका PMG लाइसेंस देता है पोस्ट मास्टर जनरल। उसका लाइसेंस कौन जारी करता है, पोस्ट मास्टर जनरल। और इसमें कितने कर्म होते हैं फ्रैंकिंग मशीन में, कितने कर्म होते हैं प्रिय साथियों, फ्रैंकिंग मशीन में 2 कर्म होते हैं, एक आरोही कर्म होता है और एक अवरोही कर्म होता है। यह भी एक अहम क्वेश्चन है कि एक आरोही कर्म होता है और एक अवरोही कर्म होता है। फ्रैंकिंग मशीन के अंदर 2 कर्म होते हैं। ये जो फ्रैंकिंग मशीन है, आपके एग्जाम में पिछली बार भी इसका क्वेश्चन आया था, और आशंका रहती है कि दूसरी बार ही एग्जाम हो रहा है विभागीय, पहले भी हुआ था, उसमें विभाग के क्वेश्चन आए थे इसी तरह से, तो ये अवश्य इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो दो इसके अंदर कर्म होते हैं, आरोही अवरोही, 2 डाई होती हैं इसके अंदर, मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। जो फ्रैंक की हुई वस्तुएं हैं, एक बात और है, जो फ्रैंक की हुई वस्तुएं हैं, क्वेश्चन बनता है, जो फ्रैंकिंग मशीन द्वारा फ्रैंक आर्टिकल हैं, क्या उन्हें लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है, आप बताइए साथियों, क्या डाला जा सकता है फ्रैंकिंग वस्तुओं को? ये क्वेश्चन है, क्या फ्रैंक की हुई वस्तुओं को लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है? हमने आपको बताया भी था, नहीं डाला जा सकता, ठीक है। फ्रैंक की हुई वस्तुओं को खिड़की पर दिया जाना चाहिए। तो ये फ्रैंकिंग मशीन के बारे में था। तो थोड़ा और फ्रैंकिंग मशीन पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं आपका कहां से आ जाए। और जो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म, जो DG है, जो DG पोस्ट होता है, उसके द्वारा जो प्राधिकृत फर्म होती है, उसी फर्म से ही फ्रैंकिंग मशीन को खरीदा जाना चाहिए। कहां से खरीदा जाना चाहिए, जहां से डीजी पोस्ट ने ऑथराइज किया है, वहीं से
उसको खरीदा जाना चाहिए। और जो जैसे लाइसेंस धारक 2000 का शुरुआती रिचार्ज फ्रैंकिंग मशीन में करवा सकता है। कितने रुपए का? लाइसेंस धारक 2000 रुपए का शुरुआती रिचार्ज फ्रैंकिंग मशीन में करवा सकता है। उसके बाद भी फ्रैंकिंग मशीन का जो मीटर है उसको रिसेट किया जाएगा और उस पर 3% छूट दे दी जाएगी। कितने का करवा सकता है? 2000 का, ठीक है, और उसको फिर से रीसेट किया जाएगा और 3% छूट दे दी जाएगी। तो ये फ्रैंकिंग मशीन का था। तो जो हम हमारा अगला जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम आइडेंटिटी कार्ड के बारे में। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि आप जरूर समझ रहे होंगे। जैसा कि डाकघर पहचान पत्र के बारे में हम आपको बताते हैं। डाकघर पहचान पत्र, प्रिय साथियों, जो डाकघर पहचान पत्र होते हैं वो साक्षर व्यक्तियों के लिए, साक्षर व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं। किसके लिए जारी किए जाते हैं? साक्षर व्यक्तियों के लिए। डाकघर साक्षर व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं, जो डाकघर पहचान पत्र होते हैं। और जो इनकी फीस होती है साथियों, वो 9 रुपए फीस होती है। जो पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड होता है, डाकघर पहचान पत्र, उसकी फीस 9 रुपए होती है और ये 3 साल तक वैध रहता है। इसका जो नवीनीकरण है, रिन्यू इसको कराना है, वो आप इसका आवेदन एमडीजी में या एसओ में कर सकते हैं, लेकिन इसको इश्यू एचओ करता है। कौन इशू करता है? एचओ करता है। तो साथियों, जो डाकघर पहचान पत्र है, इससे भी आपकी विभागीय परीक्षा में पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें साक्षर व्यक्ति डाकघर का पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसका जो आईडी कार्ड का फीस होता है वो 9 रुपए होता है, 3 साल के लिए वैध होता है। एसओ एमडीजी में आपको इसके लिए आवेदन करना होता है और एचओ इसको जारी करता है। तो ये था डाकघर पहचान पत्र, और साक्षर पढ़े लिखे व्यक्ति बनवा सकते हैं। मेन बात और बताते हैं इसकी, ये डाकघर पहचान पत्र क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि साथियों, कई बार सैलानी या अजनबी व्यक्ति अन्य शहरों कस्बों में आते हैं और उनके पास उनकी पहचान नहीं होती है, तो वो डाकघर में जाकर के किसी गवाह आदि को लेकर उनका फोटो वो ले लेते हैं, और उस फोटो की पहचान डाकघर का कोई भी कर्मचारी करता है और उनको डाकघर का आईडी कार्ड इश्यू करता है। उनको पैसे लेने देने, चिट्ठियां लेने देने में उनको समस्या नहीं आती, और आम आदमी कोई भी डाकघर पहचान पत्र बनवा सकता है। यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड का विभाग है, उसमें भी जो एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन का कॉलम है उसमें लिखा होता है कि क्या आपके पास डाकघर पहचान पत्र है, यस और नो। अगर साथियों आपने गौर किया होगा तो किसी के पास आईडी नहीं है तो ये डाकघर पहचान पत्र का लाभ आप ले सकते हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए आपके अपने चैनल study.rc से, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि साथियों आपका भविष्य तो बन ही रहा है, साथ में आगामी आने वाले आप जैसे बहुत से ग्रामीण डाक सेवक साथी ऐसे होंगे जो अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं आपका अपना साथी विक्रम गोस्वामी, जय हिंद जय भारत।